घर से फरार हुई प्रेमी संग प्रेमिका को अपनों ने ही प्यार का ऐसा इनाम दिया कि वो अब बिस्तर पर पड़ी दर्द से बुरी तरह कराहती जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आप भी देखिए यूपी के बिजनौर से हमारे संवाददाता शौकीन की ये रिपोर्ट। दर्द से कराहती फौजिया को प्रेमी पति और उसके सास ससुर ने मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा आग के हवाले कर दिया। 70% झुलसी महिला का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है, लेकिन फौजिया की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिजनौर से शौकीन की रिपोर्ट। मकसूदा कहाँ से हो? अलीपुरा। अच्छा, क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ? यहाँ नो आई हूँ और लड़की को मेरी पांचवा महीना चल गया, उसे भगा के ले गया साथ। कौन? लड़का अपने कौन लड़का कौन लड़का लड़का ले गया। कहाँ का लड़का? वो गढ़ी का। क्या नाम है? सरताज। आज क्या घटना? आज नो आई हूँ, उस लड़की को जला के और इसे मेरे घर पे भेज दी जला कर। किसने जलाया? इसका इसकी सास थी, इसका ससुरा था, इसका देवर सर देवर था सर समिया का नाम तो सरताज है, देवर का नाम सरफराज है। क्यों जलाया? और सास का नाम अकबरी है, ससुरा का नाम वो है नूर। क्यों जलाया? क्यों जलाया? वो पंजो जा रहे था कश्मीर, लौंडा नु कह रही थी नुकह मिल जाओ, तुम राशन भरते जाओ, मुझे खर्चे के लिए पैसे दे जाओ, राशन भर जाओ। इस बात पर बाहर गाँव से ला कर इसे फूंक दी। अब आप क्या चाहते हो? आप ही मैं चाहती हूँ जो तुम करना चाहो। देखो भाई मैं क्या चाहते हो आप? गरीब की मेरी मदद करो, वो करो। यूपी के मेरठ में एक पक्ष के चार लोगों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये चार युवक डकैती की नियत से किसी घर में घुसे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर खबर ली। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि मामूली बाइक की टक्कर के बाद दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के चार युवकों की जमकर पिटाई की गई। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जांच का विषय बताकर आगे कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही है और चारों युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। बहरहाल आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में अगर ऐसी वीडियो वायरल होती है तो इससे लोगों पर बुरा असर जाएगा। मेरठ में एक सनसनीखेज वारदात हुई है। यहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर शव सातवीं मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। नीचे गिरते ही उसका शरीर कई जगहों से फट गया, खून और मांस बिखर गया। हत्यारोपी ने सबूत मिटाने के लिए मांस और खून को पानी से बहा दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। सर, भीमपुरी थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर को छत से फेंक दिया गया, क्या प्रॉब्लम? देखिए, पुलिस को इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति वो छत के ऊपर से गिरा। जब पुलिस ने इसमें तफ्तीश करी तो कुछ इस तरह के आरोप भी पाए गए हैं, जिसमें एक दूसरे पक्ष के द्वारा कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस व्यक्ति को मारा गया है। पुलिस सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या प्रॉपर्टी डीलर का किसी प्रेमिका के साथ किसी रिलेशन था? इस तरह की ये बात सामने आई है कि जो दूसरी लड़की उनके साथ रह रही थी वो या तो उससे शादी हो चुकी है या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप था या क्या था, इस तरह की पुलिस अभी छानबीन भी कर रही है। चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब की मांग भी बढ़ गई है, जिसको लेकर मेरठ के खादर इलाके में ताबड़तोड़ तैयारियां की जा रही है। लेकिन शराब माफियाओं की तैयारियों पर पुलिस ने आज पानी फेर दिया। दरअसल मेरठ के खादर इलाके में पुलिस ने कई जगह पर ताबड़तोड़ दबिश दी है, जहां गंगा किनारे धधक रही शराब की भट्टी को तोड़ दिया गया और हजारों लीटर लहन को नष्ट कर दिया गया। चुनाव के दृष्टिगत अवैध शराब को रोकने के लिए जिला पुलिस काफी गंभीर है और इसी क्रम में आज थाना किला परिषदगढ़ पर जो खादर है गंगा जी का, उसमें एक अभियान चलाया गया है। खादर को पूरी तरीके से खुला होने के कारण जब पुलिस पार्टी वहां पहुंची तो जो भी अभियुक्त गण थे वो भाग गए हैं, लेकिन जो भी वहां मौके पर मौजूद लहन और अन्य सामग्री है उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। साथ ही ये जानकारी की जा रही है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं या जो भी सूचना प्राप्त हुई है उसे आबकारी विभाग के साथ भी साझा किया जा रहा है, जिससे कि इनको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। यूपी के कासगंज जिले के आसपास क्षेत्रों में बेची जा रही अवैध शराब की एक बड़ी खेप पुलिस के हाथ लगी है। एसपी के निर्देशानुसार 24 घंटे तक लगातार चलाए गए अभियान में बरामद शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर एक वाहन भी बरामद किया गया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। 500 की उधारी न चुकाने की कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है।
ये ऑटो चलाकर गुजर बसर करने वाले अमृत उर्फ टाइगर ने सोचा भी नहीं था। दरअसल दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गंदे नाले से पुलिस ने युवक का शव बरामद किया था। मृतक की पहचान गड़ी गांव में रहने वाले अमृत के तौर पर हुई। पुलिस से पूछताछ में सामने आया कि अमृत के ही ऑटो चलाने वाले चार दोस्त उसे 16 मार्च की देर शाम को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद अमृत वापस नहीं लौटा। आज सुबह ही 130 नंबर FIR दर्ज हुई है 302-201-34 IPC के तहत PS सेक्टर 10 में। ये सुबह बॉडी जो थी वो सेक्टर 10 के एरिया में एक नाला है वहाँ से रिकवर हुई थी। उसको आइडेंटिफाई करवाया गया तो उसका नाम अमृत कुमार सन ऑफ शिव RO शिवनगर कॉलोनी गांव गढ़ी थाना सेक्टर 10 मालूम हुआ। इसके फादर ने को जब से पूछताछ की तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि इस लड़के को उससे 500 रुपये लेने थे और चार लड़कों के साथ ये कल शाम को गया था। वो ऑटो में बिठा के लेके गए थे इसको और आज सुबह इसकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी का गला जो था वो दबाए हुए था और उसके कपड़ों में पत्थर डाल के जिससे कि वो पानी से बाहर ना आ सके और नाले में डाल दिया था जो ये रिकवर हुई। इसमें हमने अभी तक जो है पुनीत अमन साहिल और विशाल की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। कुल टोटल नाम जो हैं वो FIR में 8 लिखाए गए हैं, बाकी की तलाश जारी है, उन्हें भी जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। कहाँ का रहने वाला था ये युवक? ये अभी मैंने बताया आपको कि अमृत कुमार RO शिवनगर कॉलोनी गांव गढ़ी थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम। प्रॉपर्ली यहीं के रहने वाले? हाँ जी। और जो ये जिन्होंने हर मर्डर किया क्या काम करता था ये युवक? ये पढ़ाई करता था और पार्ट टाइम जो है अपने फादर के साथ काम करवाता था, सहयोग करता। इनकी कोई पुरानी रहनी भी रही है? नहीं, यही बताया मैंने कि 500 उसके फादर ने जैसा बताया हमें कि 500 रुपये लेने थे उन लड़कों ने इससे और इसी के ऊपर वो उसको साथ ले गए थे। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई? इनकी जो है सेक्टर 10 के एरिया से गांव गढ़ी सेक्टर 10 से और हयातपुर सेक्टर 10 से। कितने उम्र है? ये कम उम्र के हैं, 20-22 साल के आसपास के। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? अभी चेक कर रहे हैं, अभी तक कोई आपराधिक रिपोर्ट नहीं आया है। तो क्या काम करते हैं सभी? ये भी ऐसे ही दाढ़ी मजदूरी का काम करते हैं। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों की गोली से घायल महिला ने इलाज के लिए वाराणसी ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मामला दिलदार नगर थाना क्षेत्र का है जहां पर बदमाशों ने महिला को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाह के खराब समझकर उसको मरवा दिया। कब की बात है, कैसे? कल की बात है, कल 7:30 to 8 की बात है। कौन लोग आए थे? लोग पता नहीं चल रहा है, लोग नहीं बता रहे हैं कौन है। दो लोग हैं, दो लोग थे बाइक से बाहर खड़ा किए थे। एक लोग बाहर थे और एक लोग अंदर दरवाज़ा खटखटाए। हमला है, घटना इस प्रकार है कि दो व्यक्ति आए और उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया। एक महिला जो पति से अलग रहती है, तलाक हो गया है और मुकदमा भी चल रहा है संपत्ति का, उसको दो गोली मारी गई, एक ठोड़ी पर लगी और एक कमर के नीचे लगी। यहाँ के डॉक्टरों ने पहले उसकी स्थिति सामान्य बताई, बाद में गंभीर हो गई तो उसे ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर इस संबंध में उनके परिजनों के तहरीर पर धारा 307 IPC में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसके ये आरोप है कि उसके पति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। पार्टी करने के लिए घर बुलाए गए एक शख्स की मेजबान ने डंडे से इतनी धुनाई कर दी कि मेहमान को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसने दम तोड़ दिया। ये मामला मेरठ के काजमाबाद गून गांव का है, जहां देर रात डंडों से पीटकर एक किसान यशपाल चौधरी की हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप भी यूपी पुलिस में तैनात नेशनल लेवल की एक कुश्ती खिलाड़ी के पिता पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, परतापुर क्षेत्र में एक रेसलर है जो चौधरी, उसके पिता ने एक व्यक्ति को मार दिया, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें एक पक्ष के द्वारा लाठी डंडे का प्रयोग करके दूसरे पक्ष को मारा गया है और पुलिस ने फिलहाल उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने चोट कारित करी। पुलिस FIR दर्ज करके मामले को संज्ञान में लेते हुए
इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल जिस व्यक्ति को चोट लगी थी ही हैज सकम टू इंजरीज, उसकी मृत्यु कारित हुई है। सर, क्या अभी तक वो जो जिसने मारा है क्या उसके घर पर पुलिस पहुंची या कोई अरेस्टिंग हुई है? जी, अभी पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।